दोस्तों, रडार, जिसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसके बारे में आपने मूवीज़ में या फिर न्यूज़ में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और ये होता क्या है। दोस्तों, रडार का जो यूज है वो गतिमान वस्तुओं की स्थिति, उनकी स्पीड आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई वायुयान है या फिर कोई विरोधी जेट विमान अगर हमारे एरिया में घुस आते हैं तो उनका पता लगाने के लिए, वो कितनी दूरी पर हैं, किस स्पीड से हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, इनका पता लगाने के लिए रडार का यूज किया जाता है। बेसिकली रडार में रेडियो वेव्स होती हैं। अब आपको बताते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर जो होता है उससे रेडियो वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट की जाती हैं, निकाली जाती हैं, और वो रेडियो वेव्स जो हैं वो बहुत तीव्र गति से जाती हैं, और जिस वाहन पर हमने निशाना साधना होता है या फिर जिस चीज़ का, जिस एरिया में हमने पता लगाना होता है उससे टकरा कर वो वापिस आती है, और रिसीप्टर जो है वो उसे प्राप्त करता है और उसकी एक इमेज जो है वो डिस्प्ले पर बनती है, और हमें एक्चुअल में पता चल पाता है कि वो क्या चीज़ है और किस दिशा में जा रही है और उसकी स्पीड वगैरह कितनी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, या फिर अगर आप कंपिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि रडार में रेडियो वेव्स का यूज ही क्यों किया जाता है। तो इसका कारण मैं आपको बता दूँ, जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वेव लेंथ, जो तरंग दैर्ध्य होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये अधिक से अधिक दूरी तक मार कर सकते हैं। अधिक से अधिक दूरी से ये स्पष्ट जो है वो वापस टकरा कर आ सकती हैं। इस वजह से रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। और रेडियो वेव्स का सबसे पहले जो आइडिया आया था वो आया था अमेरिकी वैज्ञानिक टेलर और यंग को। फ्रेंड्स, वर्तमान में रडार का जो दायरा है, जो कार्य क्षेत्र, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यह सिर्फ और सिर्फ वायुयान या फिर किसी साधन की दूरी, ऊंचाई एवं स्थिति का पता लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि यह मौसम में आ रहे परिवर्तनों का पता लगाने के लिए भी यूज किया जाता है, और काफ़ी सारे रडार टेलीस्कोप जो हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। एक चीज़ और, जो रडार होता है वो बिल्कुल सोनार की तरह ही काम करता है। सोनार में फ़र्क इतना होता है कि सोनार के अंदर जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगें होती हैं, उनका यूज किया जाता है, जबकि रडार में रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। तो ये आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी रडार के बारे में। अगर आपको वीडियो से कोई नई जानकारी मिली है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।